हाय, मैं हूँ मीनाक्षी। साल है 2020। हर किसी की ज़िंदगी अपसाइड डाउन मोड पे चल रहा है और ऐसे ही ज़िंदगी में थोड़ा खुशियाँ भरने आते हैं फेस्टिवल्स। और ऐसा ही फेस्टिवल एक आ रहा है 16 नवंबर 2020 को, जो हम लोग बहुत चाव से मनाने वाले हैं। हम सबको पता है जिसे भाई दूज, भाई फोटा, भाई बीज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें थोड़ी रोशनी डालने मैं और उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप सब से शेयर करने आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। तो चलिए पहले उसका थोड़ा हिस्ट्री, कहाँ कैसे कौन से देशों में कैसे सेलिब्रेशन होता है, उसका थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये फेस्टिवल मेनली इंडिया और नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। नेपाल में उसे भाई टीका के नाम से जाना जाता है और इंडिया में हर एक राज्य में अलग अलग नामों से उसका सेलिब्रेशन होता है। कहीं पे भाई दूज, कहीं पे भाई फोटा और कहीं पे भाव बीज के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये फेस्टिवल भाई बहनों के बीच सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों कि ये त्यौहार स्पेशली सिर्फ भाई और बहन के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है, ये जानने के लिए हमको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम थोड़ा उसका हिस्ट्री जान लेते हैं। वैसे तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग दो स्टोरीज है। फर्स्ट वन, जब भगवान कृष्ण ने 16,000 राजकुमारियों को असुर नरकासुर के हाथों से बचाकर लेकर आए, तो उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा से मिलने का मन बना लिया और उनके बहन सुभद्रा ने उनका स्वागत फूल, मिठाई और तिलक से किया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि भाई दूज फेस्टिवल का जो सेलिब्रेशन है वहीं से शुरुआत हुआ था। दूसरा, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि यमा, जिनको हम यमराज के नाम से जानते हैं, वो अपने बहन यमुना से मिलने द्वितीय दिन को आए थे दिवाली के, जो कि सेकेंड डे होता है, इसीलिए उसे यमा द्वितीय भी बोला जाता है। ये स्पेशली इंडिया के साउदर्न पार्ट में यमा द्वितीय नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और बाकी राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। थोड़ा हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में भाई दूज के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, वेस्ट बंगाल में भाई फोटा, बिहार में यमा द्वितीय और महाराष्ट्र में भाव बीज के नाम से सेलिब्रेशन होता है। नेपाल में भाई तीज का सेलिब्रेट किया जाता है तिहार फेस्टिवल के 5th डे पे। दशहरा के बाद नेपाल में सबसे बड़ा जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वो होता है तिहार फेस्टिवल, जो कि 5 दिन का होता है, और लास्ट डे जो कि 5th डे है उस दिन भाई टीका सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, ये तो हो गया बेसिक रूट लेवल का इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ा 21st सेंचुरी का तड़का लगा दे। जब भी कोई फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली भाई बहनों के त्योहारों का, तो बहनों का एक अलग सा डिमांड ही होता है भाइयों के प्रति। तो इस 21st सेंचुरी में थोड़ा गिफ्टिंग का हम लोग थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं। हर कोई जब अपनी बहनों से मिलने जाते हैं स्पेशली त्योहारों में, तो कुछ मिठाई, कुछ चॉकलेट्स या कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं। कुछ बुराई नहीं है इसमें, ले जा सकते हैं, लेकिन इस समय ये चॉकलेट्स, स्वीट्स और गिफ्ट्स से ज़्यादा और भी बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, जो है प्रोटेक्शन। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप हर समय उनके साथ रहिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए। मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि आप अपने बहनों को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो इंडिपेंडेंटली सब कुछ हैंडल कर पाए, कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे कि मैं अगर इस परिस्थिति में फंस गई तो मुझे भैया को कॉल करना पड़ेगा, मेरे को पापा को कॉल करना पड़ेगा या कोई दोस्त को कॉल करना पड़ेगा। सेल्फ डिफेंस अगर पॉसिबल हो तो वो ज़रूर सिखाइए, जितना तक हो घर पे ही, आपको अगर पता हो कुछ भी, या लड़कों के बात करने का तरीका कैसे देखते हैं वो
लड़कों को ही ज़्यादा पता होता है लड़कियों से। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप रोक टोक नहीं, कैसे खुद से हैंडल करें वो सिखाइए। पर हाँ, उसके लिए सेल्फ डिफेंस या कुछ ऐसा कुछ सिखाने के लिए उसके ऊपर कोई पाबंदी मत लगाइए कि आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे डेंजर है, ये नहीं। हाँ, कंसर्न तो होता है, हम सबको पता है, लेकिन कैसे खुद को इंडिपेंडेंटली प्रोटेक्ट करके वहाँ से निकल पाए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, ये मेरी बहनों के लिए, हम सबको पता है कि लड़के ज़्यादा बात नहीं कर पाते घर पे, तो जब भी उनका मूड कोई ऑफ लगे कि लाइक हाँ वो लोग थोड़ा डिप्रेस है, बात नहीं कर रहे, तो उनसे बात करिए, उनसे शेयर कीजिए कि हाँ ऐसे सिचुएशन में ऐसे निकलना चाहिए। अगर कोई डिप्रेशन का बात नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन कीजिए, उससे भी वो लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं। और हाँ, ये एक सिर्फ भाइयों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बहनों का ध्यान रखे, ये बहनों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने भाई का ध्यान रखे, वो उसकी ज़रूरतें पूरे करे कि लाइक हाँ जब उसको सपोर्ट की चाहिए ज़रूरत हो तो वो हमेशा खड़ी रहे उसके साथ, जब वो कोई गलत डिसीशन ले तो बहने उसको सही राह दिखाए, और जब वो लोग ज़्यादा बात ना कर पाए, डिप्रेस फील करे, तो उनसे बात करे, उनसे शेयर करे, कभी कभी जो भी उसका एक्सपीरियंस हो उनसे बस बातें करें, क्योंकि हम सबको पता है लड़के ज़्यादा बात नहीं कर पाते घर पर। वही है गिव एंड टेक का रूल। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है आपको तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए